बचपन से यानी हम चार बहन भाई थे, दो बहनें दो भाई। भाई मेरे दो मेरे से छोटे थे, दीदी और मैं बड़ी थी। पापा हम लोग गरीब भी थे, पापा भंगार का काम करते थे, तो बहुत गरीबी थी। यानी हम लोगों को भी रोटी यानी बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो पापा बहुत मेहनत करते थे, सुबह से घूमते रहते थे। हाँ, वो पापा का बोले ना तो पढ़ाई तो मेरी ज्यादा नहीं हुई है, 7वीं तक ही पढ़ी हूँ। फिर यानी पढ़ना तो था, मम्मी पापा भी पढ़ाने वाले थे, पर बीमार हो गई थी उसके कारण फिर मेरी पढ़ाई छूट गई थी। 3-4 घर में मैं काम करती हूँ, पर सबके यहाँ की रोटी अलग अलग होती है, सब एक जैसी नहीं। कोई मोटी खाते है, किसी के यहाँ पतली रहती है, किसी के यहाँ एकदम फुलके रहते हैं, कोई कोई जाड़ी जाड़ी खाते है, कोई घी लगाते है, कोई नहीं लगाते। रोटी यानी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग दूसरी चीज़ें नहीं खाते हैं, हम लोग एक रोटी भी खा ले तो हमारा पेट भर जाता है। हम लोग दूसरे पिज्ज़ा ये वो बाहर की चीज़ें हम लोग खा भी ले तो भी हमारा पेट नहीं भरता। हम एक रोटी भी खाएंगे तो हमारा पेट भर जाता है। और ऐसा हो गया है कि हम छोटे थे तब 1 रुपया किलो गेहूँ था, आज ऐसा है कि 30 रुपया किलो हो गया है, फिर भी हम रोटी ही खाते हैं। मेरी लव मैरिज ही हुई, हस्बैंड को भी काम नहीं थे तभी, वो भी भंगार का ही काम करते थे। फिर अलग रहने लग गए, हम अलग हो गए थे, यानी मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम अलग रहने लग गए थे। तो वो एक बार क्या हुआ कि वो बीमार हो गए, उनके पैरों में तकलीफ आ गई, तो मेरे बच्चे छोटे थे, मैं काम भी नहीं कर पाती थी, घर पे ही रहती थी। तो टाइम ऐसा था कि 8 दिन मेरे को रोटी खाने को ही नहीं मिली थी, यानी मैं रोटी ही नहीं खाई थी, इतनी मेरी कंडीशन यानी ऐसी आ गई थी। वो बीमार थे, पैरों में तकलीफ थी, तो काम और कोई था नहीं यानी देने करने वाला। तो फिर 8 दिन में वैसे ही भूखी ही रही थी, फिर वो ठीक हुए, फिर वही काम करने लग गए। उसके बाद ऐसे फिर थोड़ी थोड़ी कंडीशन वैसी रही थी मेरी, बच्चे छोटे थे तो रोटी यानी ऐसी हम मेरे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत टाइम मैंने ऐसा निकाला है कि रोटी भी खाना यानी मेरे को नसीब नहीं हुआ, ऐसा है कंडीशन थी मेरी। तो जब से मैं काम के लिए निकली तब से मेरा सब ठीक हो गया, यानी मेहनत करने लग गई, समझ में आया कि नहीं रोटी के लिए कमाना है, मेहनत करना है। तो मेहनत कर कर के आज मेरा सब अच्छा है। जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी, मेरी मम्मी को बहुत काम रहता था, और क्योंकि घर में बाकी कोई भी क्या मेड से एक ही मेड रहती थी और मम्मी को बहुत काम रहता था। तो वो जैसे मैं 4th में गई तब से मम्मी को हेल्प करना शुरू किया, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी तो उनको बहुत रोटियां बनानी पड़ती, तो मैं शाम को सुबह तो हेल्प नहीं कर पाती थी, तो शाम को मम्मी मेरे को बोलती थी मेरे को हेल्प कर, तो करना ही पड़ता था, तब मना करने का कुछ सवाल नहीं रहता था, तो करना ही पड़ता था। तो उनके साथ पराठे या रोटी जो वो फलके बोलते वो बनाती थी, वो बेलती थी और मैं सेकती थी।
और वो टाइम ऐसा होता था, ये 5-6 बजे का टाइम होता था, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेरा बंगला, हमारा बंगला था और नीचे बड़ा गार्डन और ग्राउंड था। वहाँ पर हमारे पूरे मोहल्ले के बच्चे आते थे और सब खेलते थे और मैं ऊपर से देखती थी। तब मेरे को वो बहुत बुरा लगता था कि ये रोटी क्यों बनानी है, अच्छा ही नहीं लगता था। फिर जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगी, फिर तो मम्मी को देख देख के सीखी, कैसे सीखी इतना याद नहीं है, लेकिन बताते गए कैसे रोटी, मम्मी ने ही सिखाई कि कैसे नहीं, क्या रोटी को गोल घुमाना, और वैसे मम्मी से बताते बताते हमने सीख ली। फिर मम्मी जब 8 में थी, तब बड़ी ट्रेजिडी थी हमारे घर में, तो तब मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी एक साथ एक्सीडेंट में गुजरे, जो हम साथ में ही रहते थे। बड़े पापा गुजरने से एक मेरा बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत सब में ज्यादा मेरे लाइफ में उन्होंने ही मेरे को प्यार किया था। मतलब इतना ज्यादा उनको था, उनके बच्चों से ज्यादा मेरे को उनका, उन्होंने मेरे को प्यार किया था। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और फिर मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा ही जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि 5-6 बच्चों का हमारा करना, हम 3 सगे भाई बहन और उनका करना, तो तभी भी मैं बहुत हेल्प करती थी मम्मी को, और फिर मेरी दीदी भी करती थी। फिर और दीदी में मिलके हम कितनी बार पूरा खाना भी बनाते थे, तो वो बचपन से रोटी बनाते बनाते मैं इतनी थक गई थी कि मेरे को अब तो रोटी बनाना पसंद ही नहीं। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मेरा कोशिश रहती कि मैं रोटी नहीं बनाऊँ, इतना बोर हो गया। अलग तरह की रोटी होगी तो वो मैं बनाती, लेकिन जो रूटीन के फलके पतले चाहिए ये चाहिए बोले, बनाना पड़ता ही है मेरे को, लेकिन मैं खुशी से नहीं बनाती, बहुत बोर होता। मैं सुबह शाम के लिए मैंने भाइया रखी है जो बहुत अच्छी रोटी बनाए, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को खिलाए और मेरे को भी खिलाए, और मैं आराम से बाकी सब्जी रोटी डिशेज बोलो सब मैं बना लेती, लेकिन रोटी नहीं। जब मैं छोटी थी तब मैं जब भी खेल कर आती थी और मम्मा कुक करती थी, तब मैं लास्ट का थोड़ा बहुत आटा बचता था तो मैं छोटी रोटियां बनाती थी पापा के लिए। तो जब भी पापा खाते थे मैं बहुत खुशी होती थी। मैं जब स्कूल से आती थी मम्मा मेरे लिए पराठा बनाती थी, तो मैं फर्स्ट 2 पराठा खा लेती थी क्योंकि मेरे को लास्ट वाला पराठा खाना रहता था शुगर वाला, मुझे बहुत पसंद है, उसी के लिए मैं खाती थी। तो मैं ना जब छोटी थी ना तब मैं स्कूल जाती थी। स्कूल जाने के बाद में मैं 6th क्लास तक तो अच्छे से स्कूल गई, उसके बाद में हम फ्रेंड लोग सब मिलके कपास बुनने जाते थे। फिर कपास के सीजन में बहुत अच्छे पैसे मिल जाते थे, उसमें हम कपड़े खरीदते थे। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को नागपुर में ला के छोड़ा। फिर उसके बाद में मैंने फिर कपास के काम में गई। फिर कपास के काम में जाने के बाद उसमें मेरे को कुछ पैसे मिले। कुछ पैसे मिलने के बाद में मैं गांव से लेके यवतमाल आई, वहां से मैंने ट्रावर्स पकड़ के नागपुर आई, अकेली आई। फिर मेरे को घर नहीं पता था कि कहाँ रहते थे, मतलब एक्चुअली नगर नहीं पता था। फिर मैं ऐसी इधर उधर भटकती रही, फिर एक अंकल मिले, वो मेरे को साइकिल पे लेके चले गए, बोले मैं तेरी नाना जी का घर बताता हूँ। फिर मेरे को कुछ अजीब सा लगा तो मैं उनके साइकिल से हल्ला करके उतर गई। फिर और एक पानठीला था वहाँ गई, वहाँ से फिर मेरे को एक अंकल ने बड़वाई हॉस्पिटल ले जाके छोड़ा, वहाँ पर मेरे नाना ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने फिर मेरे को मेरी मम्मी के पास पहुँचाया। उसके बाद में 8 दिन के बाद मेरे पापा मेरे को लेने आए, फिर उन्होंने खूब मारा मेरे को कि नहीं जा रही। फिर मेरे पापा मेरे को भांडेवाड़ी लेके गए, फिर मैं वहाँ से भी फिर पापा के पैसे चुरा के भाग के मम्मी के पास आ गई, फिर मेरे पापा नहीं लेके गए मेरे को। फिर उसके बाद में मेरा एडमिशन यहाँ किया धीरन कन्या में। धीरन कन्या में मैं 2 साल स्कूल गई। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी फीस नहीं भर पाती थी तो फिर टीचर लोग डांटते थे, तो फिर उसके बाद भी मैं स्कूल ही नहीं गई। 9th में मैं स्कूल ही नहीं गई। फिर उसके बाद में मेरे को एक आंटी ने काम बताया, तो
नहीं, फिर एट क्लास में मैं एक आंटी के यहाँ सुबह 9 बजे आती थी, तो 12 बजे तक वहाँ काम करती थी। तो आंटी ने मेरे को सारा काम सिखाया कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करके। उन्होंने रोटियां बनाना भी सिखाया मेरे को कि ऐसे स्लो पे किया तो ऐसे नरम बनती है, अच्छी बनती है। तो फिर मैं उनके यहाँ रोटियां भी बनाती थी, सब्जी भी काटती थी और स्कूल भी जाती थी 12 से 5। फिर वहां से स्कूल से आने के बाद फिर 8:30 तक करती थी, फिर घर जाती थी। फिर घर जाने के बाद फिर कोई काम ही नहीं रहता था, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई, फिर ऐसे करते करते। फिर भी मम्मी मेरी ना वैसे नहीं भरती थी एग्जाम के, फिर मैंने छोड़ दी थी स्कूल। उसके बाद में मैंने घर के काम करती थी और घर में रहती थी। फिर कुछ साल, 1-2 साल ऐसे ही निकल गए। फिर उसके बाद में मैंने एक आंटी के और काम ज्वाइन किया, तो वहाँ पूरा दिन रहती थी। तो फिर ऐसे करते करते घर में कुछ सामान भी नहीं था, जो हमने धीरे धीरे सब मिल बांट के खरीद लिया सब सामान। तो उसके बाद में फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो घर रखती थी, तो मतलब हम ऐसे 4-5 फ्रेंड थे। तो फिर सब मिल बांट के, तो फिर ऐसे बोलते थोड़ा सा खा के देख, खा के देख, तो ऐसे ही खाते थे हम लोग। चलो मैं भी कोशिश करके देखती हूँ क्या होता है, तो ऐसे आदत लग गई। फिर मेरे को ऐसे करते करते बहुत सारे काम मिल गए। तो फिर मैं बहुत सारी जगह, मेरी शादी होते तक काम की, तो मेरी 18 साल में शादी हो गई। फिर उसके बाद मेरे को 19 साल में बेटा हो गया। फिर बेटा होने के बाद में मतलब मैंने फिर पुराने काम छोड़ दिए, मतलब 2-3 जगह के छोड़े, बाकी तो है। फिर अभी मैं 4 घर में रोटी बनाती हूँ। रोटी मतलब रोटी से मेरी कोई भावना ही नहीं है, लेकिन जो अगले वाले इंसान को खुशी मिल रही है कि अपने को बोल रहे हैं मतलब प्यार से कि आगे रोटी बहुत अच्छी बनाई है, जिनसे उनका पेट भरे, उसी में मेरी खुशी है, जिससे मेरे को रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक साल 2 महीने की हुई, मेरे पिताजी गुजर गए थे। फिर मेरे नाना जी के पास रही। नाना जी कुछ ऐसे बाहर का करवाते थे, घर का कुछ नहीं करवाते थे। पढ़ती थी, खेलती थी, और मेरे को कसीदा क्रोशिया जो भी वहाँ पे कोई भी बनाता तो वो पहले सीखती थी। सबसे पहले बोलती थी कि मेरे को सामान ला के आना है, फिर खाना खाऊंगी, पहले सीखूंगी। फिर रहेगा तो जब मैं 13 साल की हुई, तब एक लड़के के पिताजी आए, उनको पसंद आई, तो उनने बोले कि मैं सगाई करके ही जाऊंगा करके, मेरे को लड़की बहुत पसंद। तो मेरे भाई नहीं था, तो बोले मैं खुद पहुंचा दूंगा आपको, जब मिलना होगा जब। तो ऐसा सगाई हो गई। फिर पढ़ते थे, जब मैट्रिक की पढ़े थे तो फिर बोले कि अभी 4 साल पढ़ने को लगेंगे, तो बोले कि जब तक हम शादी नहीं करेंगे, पढ़ाई पूरी नहीं होगी जब तक। तो फिर 1 साल बचा, तो मेरे सास हैगा तो मेरे देवर को, छोटे को 22 दिन के छोड़ के गुजर गए थे। तो उनको खाने की आफत पड़ती थी, 3 लड़के ही थे। तो वो बोले कि नहीं, अब तो शादी का तो 1 साल ही बचा है, हो जाएगा। फिर शादी करी तो घर में सास तो थी नहीं, तो एक दिन तो काकी सास ने आके खाना बना दी, पर रोज कौन आके बनाएगा। तो मेरे को रोटी बटना आई तेरी आता था, पर बट लेती थी। फिर हमारे यहाँ पे मायके में खीरे पे रोटी उपसाते थे, इनके यहाँ तवे पे उपसाते थे। बोले खीरे की रोटी गर्म होती है, तो मेरे को तवे की होनी। तो खाना खाते को रुक गए, जितने मेरी बहन की दादी सास वहीं रहती थी वो आए, तो उनने कहा कि थोड़े तो हाथ जलेंगे, पर तू उठ, मैं तो रोटी बना के तेरे को बताती, फिर तू बनाने लगना। तो फिर उन्होंने मेरे को रोटी सिखा के गए, फिर मैं रोटी बनाने लगे। फिर तो रोटी में ऐसे कभी 40 मेहमान भी रहे तो बना लेती थी, कभी ऐसे 150 भी रहे तो भी बना ले, 4 बजे उठ के फिर काम कर लेती थी, खाना बना लेती थी।
सब बोलते थे इतनी दुबली पतली है तो ये क्या देख के लाए करके। तो मैं ससुर बोले कि अभी वो नई नई है इसलिए उसकी माँ तो बहुत काम करती है, काम में माँ बहुत होशियार है, तो इसलिए मैंने उसकी माँ को देखा काम में होशियार है तो वो भी काम में होशियार हुई। फिर तो मेरे ससुर बोलते थे कि इंदिरा गांधी के बाद फर्स्ट नंबर बोलो तो मेरी बहू का ही आएगा घर के, कि उनके साथ जाना आना, उनको पैर का एक्सीडेंट हो गया था तो उनके साथ जाना आना सब दूर सब अच्छे से कर लेती थी। तो